हेलो एंड वेलकम बैक टू चिली एंड चाय बाय आरती दारा। आज मैं आपके लिए लच्छा पराठा बनाने जा रही हूँ, पर इसका जो मैं तरीका बता रही हूँ बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आसानी से इस पराठे को बना सकते हैं। आइए पराठा बनाते हैं। हाँ जी, आज मैं अभी आपके सामने लच्छा पराठा बना रही हूँ, बट लच्छा पराठा बनाने के लिए मैं मैदा नहीं इस्तेमाल कर रही, आटे का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि आटा, होल व्हीट आटा हेल्दी भी है और इजी टू डाइजेस्ट भी है। तो वो मैं आपको बनाने का, आटे के बनाने के लेयर्ड पराठे बनाने बता रही हूँ। हम पानी से गूंदेंगे, इसको मिक्स कर लिया हमने। और हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसको गूंदेंगे। आटा तैयार है, अभी हम इसको रोल करके आधे घंटे के लिए बस छोड़ेंगे। आटा तैयार है बिल्कुल, देखिए पराठा बनाने के लिए। और मैं आपको ये पराठा, लेयर्ड पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिनको नहीं भी आते वो भी आराम से इसको बना सकेंगे। बट अभी आप ये लेंगे आटे के लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा लेंगे, जैसे हम रोटी लेते हैं उससे तो बड़ा ही लेंगे ना। सूखा आटा, इसमें घी लगाएंगे हम, घी से इसको करेंगे। फिर सूखा आटा और सूखा आटा, बस स्प्रिंकल करना इसको, बस हमने पीसेस करना है, ऐसे काटना है इसको। ये काट लिया, बस इसको अनइवन तरीके से इसके ऊपर ऊपर ऐसे करना है। लास्ट पीस को भी इसके ऊपर, अब इस पर फिर घी लगाएंगे, सूखा आटा, और इसको फिर हमने कटिंग करना है एक बार ऐसे छोटे छोटे पीसेस, और इन पीसेस को हमने एक दूसरे के ऊपर एकदम अनइवन तरीके से, जैसे भी आपको लगे वैसे रखते जाइए बस। अब इसका ये ऐसे ये बन जाएगा ऐसे पराठा, तो अब इसको हम फिर बेलेंगे। तवा गरम है हमारा, पराठे के लिए आपको नीचे गैस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत हाई गैस ना हो और बहुत स्लो गैस नहीं हो, मीडियम गैस पे आप पकाएं। और आपको अगर जब लगे कि गैस कम हो रही है तो आप उसको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। ये देखिए पराठे में सारी लेयर्स कैसे अलग हो रही हैं सब, ये देखिए आप सब अभी से अलग होना शुरू हो गई है।